इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच और Day 4 आज देखने को मिला हमें मुल्तान मैच का। और क्या ही ख़राब क्रिकेट खेला है पाकिस्तान ने और क्या ही शानदार क्रिकेट खेला है इंग्लैंड ने। 300 रन बनाए यहाँ पे हैरी ब्रुक ने और 262 रन बनाए यहाँ पे रूट ने। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी पार्टनरशिप रही इनके नाम पे। और आप देख सकते हैं कि ब्रुक का अगर आप एवरेज देखेंगे इंग्लैंड में काफ़ी कम है बट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एवरेज है उनका 158 के आसपास का। और आप मैच की समरी की बात यहाँ पर करें तो पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 500 के ऊपर रन बनाए यहाँ पर और इंग्लैंड ने उसके जवाब में देख सकते हैं कि 283 मतलब 823 सॉरी, ये मतलब कि स्कोर कार्ड ही इतना खतरनाक है। तो ये 823 रन बोलना ही मतलब कि अपने आप में ये है कि टेस्ट क्रिकेट में इतने रन कैसे बन सकते हैं यहाँ पे। और इंग्लैंड ने जिस अप्रोच के साथ वो आए हैं कि पहले इनिंग में ही हम लोग बराबर कर देंगे यहाँ पे और सेकेंड इनिंग पाकिस्तान को देंगे यहाँ पे, हमको सेकेंड इनिंग खेलनी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। 115 रन चाहिए पाकिस्तान को अभी भी जीतने के लिए, 4 विकेट उनके हाथ में है। और उनके जो ये काबिल बल्लेबाज जिस तरीके के ये अपने सोशल मीडिया पर बखान करते हैं, 5 विकेट मतलब जो 5 रन बनाए इन्होंने शुरुआती 5 विकेट हम देखे यहाँ पे, तो किस तरीके से गिरे हैं इनके जो टॉप ऑर्डर था पाकिस्तान का किस तरीके से कोलैप्स हुआ है। और इनके कप्तान जो है मतलब कि शान वो भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, कैच भी छूटे उनके यहाँ पे। और रिजवान जो जिस तरीके की नौटंकियाँ वो करते हैं पिच के ऊपर, 10 रन बनाए उन्होंने यहाँ पे और पिछली इनिंग में 0 रन थे उनके यहाँ पे। बाबर आजम के पिछली इनिंग में 30 या 32 रन ऐसे कुछ रन थे उनके यहाँ पे। इंग्लैंड ने तो ये पूरा के पूरा मैच अपनी गिरफ्त में कर लिया है। कल शायद से पहले ही सेशन में पाकिस्तान की टीम ऑल आउट होते देखने को मिलेगी हमें। और अभी पाकिस्तान की टीम हालांकि फिर भी थोड़ा बहुत फाइट बैक कर रही है बट आपने देखा कि पिच किस तरीके से ख़राब है यहाँ पर देखने को मिली हमें, पाटा विकेट बिल्कुल देखने को मिला और इंग्लैंड ने भरपूर इस्तेमाल किया उसका। क्या ही मतलब क्या बोल सकते हैं कि इनिंग खेली यहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहली इनिंग में फिर भी रन लगाए थे, बट ये सबको मालूम था कि इंग्लैंड जिस तरीके से क्रिकेट खेलती है और इंग्लैंड जिस तरीके से अभी टेम्पलेट चेंज किया उन्होंने, और वो आप देख सकते हैं रनों बॉल किस तरीके से रहा है उनका यहाँ पर और स्ट्राइक रेट किस तरीके से रहा है हर एक प्लेयर का। 823 रन बनाना काफ़ी बोल सकते हैं कि ज़्यादा रन देखने को मिलते हैं हमें। हैरी ब्रुक ना आउट होते या फिर जो रूट आउट नहीं होते तो 300 रन उनके भी लगते हैं यहाँ पे। और पाकिस्तान की जो टीम वापस से खेलने आई है क्या खेला है मतलब कि 152 पे 6 विकेट गिरे, तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तान के लिहाज से। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।